लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में अब इतनी महंगाई है कि एक टीवी भी शायद अब कोई नहीं तोड़ेगा। मैं तो कहती हूँ हमारे क्रिकेटर्स हमारी बेइज्जती करवा देते हैं। डेफिनेटली सी बात है, काफी अरसे से हो गया कि हम जीत ही नहीं रहे हैं। विराट कोहली को देखती है तो सबसे पहले माइंड में कौन सा लफ्ज आता है? क्लेवर। लेकिन पाकिस्तानियों को थोड़ा सा करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, कि मतलब कभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना किसी मैच में, अपना देन आउटपुट देन। सब कौन लगता है? ऑब्वियसली विराट कोहली। क्यों? उसका आप पर्सनैलिटी देखें, पर्सनैलिटी है, ग्रूम्ड है, अच्छा है। विराट कोहली तो वो अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए पैगाम है कि इस बार उनको मौका मत दें और इस दफा मौका छीन लें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और मौका मौका का एड देख के पाकिस्तानी सुंदरिया काफी भड़क थड़क गई है। ऐसे नहीं चलता। और भारत की टीम पे किस तरीके से ये लोग फिदा है, और कैसे कोई तो कहती है मुझे विराट चाहिए, कोई कहती है मुझे रोहित चाहिए, कोई मुझे भैया हलवा है बटरा है, इधर हिंदुस्तानी लड़कियों नहीं मरती क्या उनके ऊपर? विराट कोहली के सिर्फ लुक्स पसंद है या शायद उनका गेम, उनका सब कुछ? इंडिया भारत माता की जय। एवरी टाइम इंडिया ही जीतती है, जीतेगी। थाली पिटी थी, डिंग डिंग डिंग। इंडिया ही विनर है और रहेगी। अगर इंडिया जीतता है तो इट्स लाइक बड़ी दिवाली, लाइक दूसरी बड़ी दिवाली। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो फिर देर किस बात की? बाबर आजम का नाम लूं तो सबसे पहले क्या लफ्ज आएगा आपके जहन में? क्रिकेटर ही है, क्रिकेटर ही आएगा, बस यही आएगा। हाँ जी यही आएगा, अच्छा खेल ले और मुझे कोई का लफ्ज ही आएगा। बिल्कुल भी नहीं, बस यही है इज्जत बचा ले और तो कुछ भी नहीं है कहीं जाके। गजब बेइज्जती है। अच्छा, और अगर विराट कोहली का नाम मैं लूं तो क्या लफ्ज आएगा आपके ज़हन में? सर ही इज द टॉपर। रियली? या विराट कोहली को देखती है तो सबसे पहला लफ्ज क्या आता है ज़हन में? ही सो चिकना। रियली? या। अच्छा, तो अगर बाबर आजम को देखेंगे तो कौन सा लफ्ज आएगा पहले? देखना ही नहीं चाहती। क्यों? नहीं अच्छा लगता मुझे विराट कोहली। अच्छा, के आगे सब फीके हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात है? इतना प्यारा लगता है मुझे विराट। हिज नोज, उसकी आईज, उसके फीचर्स, ओह माय गॉड आई एम फ्लैट। रियली? यस। बॉर्डर क्रॉस कर सकती हो? मैं क्या, मैं सब कुछ कर सकती हूँ उसके लिए। जी। अच्छा, विराट कोहली को देखती है तो सबसे पहले माइंड में कौन सा लफ्ज आता है? क्लेवर। बहुत क्लेवर प्लेयर है। यानी अनुष्का शर्मा ने जिसको पसंद किया है वो आप उसको पसंद कर लेंगे? नहीं नहीं, विराट कोहली में कुछ है तो उसी को पसंद करेंगे ना? क्या है उसमें? उसकी पर्सनैलिटी देखें, वो ग्रूम्ड है, वेल ग्रूम्ड है, वेल परफॉर्मेंस है उसकी, इसलिए मैं ऑब्वियसली मैं तो विराट का ही। कैसे? वो नहीं भी करेगा तो मैं खुद प्रपोज कर दूंगी उसको। खुद कैसे करेंगी? बस कर दूंगी भाई शादी। अनुष्का आपको छोड़ देगी? मुझे ना भी छटे की है। क्यों भाई? क्यों? मैं एडजस्ट कर लूंगी। कैसे एडजस्ट कर लोगी? मैं कहूंगी उसको भी ना छोड़ो, मुझे भी रख लो। तो वो उसकी उससे पूछना चाहिए ना, अनुष्का शर्मा से पूछना, वो क्या कहती है? मुझे उसकी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं काला जादू करवा दूंगी विराट पे। काला जादू किससे करवाओगी भाई? बस करवा दूंगी। यानी काला जादू भी करा लोगी विराट के पीछे? सब कुछ। इतना इतनी ज्यादा उसके पीछे पड़ी हुई है? सो चीजी। ये हमारे साथ एक लड़की मौजूद है जो विराट के पीछे बहुत पड़ी। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो को मैं फुल स्क्रीन पे नहीं चला सकता हूं और आप अकेले नहीं देखोगे इस वीडियो को, आपका भाई भी आपके साथ में देखेगा, हम साथ साथ में मजे लेंगे इन पाकिस्तानी सुंदरियों के। पाकिस्तान की रिपोर्टर एक सना जी, वो लोगों में जा जाके इंटरव्यू लेती है और काफी अच्छा चैनल है उनका, उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहो तो उनको डायरेक्ट जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाबर आजम और विराट कोहली को खुद से उम्मीद हो या ना हो, मगर उनका दिफा करने वालों के कीबोर्ड्स नहीं रुकने वाले। आज हम पाकिस्तानी यूथ का मौका मौका एड पर लेंगे रिएक्शन, तो आइए चलिए हमारे साथ। हम भी लेंगे। चल के आया है मौका। लवली बाजी, ओ इतने साल बाद मौका ही ऐसा है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, बड़ा टीवी दिखाइए। ए गट्टू, इस बार बाबर रिजवान दुबई से ऐसे छक्के मारेंगे दिल्ली के शीशे टूटेंगे, ये मौका छीन के लेंगे। ए गट्टू, दो दो टीवी। T20 वर्ल्ड कप में आप हमसे पांचों बार हारे हैं, अब पटाके तो फूटने से रहे, अब कुछ तो फोड़ोगे। बाय वन ब्रेक वन फ्री।
हंस रही है। अपने यारों दोस्तों को बताना मत भूलना इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीबा इफ्तिखार है। बुशरा गुलफाम। जुमात फरूक। फातिमा नूर। मोहम्मद अलग। कलीम गुमसुम। मेजर हरपाल सिंह। शक्ल से भी लगता है राव शरीर में। बुशरा मौका मौका ऐड देखा आपने, कैसा लगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल, मैंने देखा है और हमेशा से मैं तो कहती हूँ हमारे क्रिकेटर्स हमारी बेइज्जती करवा देते हैं। डेफिनेटली सी बात है, काफ़ी अरसे से हो गया कि हम जीत ही नहीं रहे हैं। अब पता नहीं है हमारी लक ऐसी है या फिर हमारे मतलब कुछ सितारे ऐसे हैं, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद की जा सकती है जीते। बाकी जो ऐड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इस तरह के ऐड नहीं होने चाहिए। देखिए हमारे भी सेंटिमेंट्स हैं, उनको दुख होता है, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, रियलिटी बेस्ड ऐड है। हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि गलत इस सेंस में नहीं कह सकते कि उन्होंने एक रियलिटी दिखाई है, और सही इसलिए नहीं कह सकते भाई हमारे जो एक जज्बात है उनको दुख हो रहा है, हमें भी दुख होता है कि हमारे बार बार हार जाते हैं हम, डेफिनेटली सी बात है। बुशरा मुझे ये बताओ कि ऐड में आपको सबसे फ़नी चीज़ क्या लगी, जिससे आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया हो? अच्छा फ़नी चीज़ ये थी, मुझे नहीं ऐड का पता था, मैं बल्कि बस ऐसे देख रही थी। एकदम जब उसने कहा ना कि ये दो ले लो तो एक तोड़ देना, वो जो कॉन्सेप्ट मुझे वहाँ से समझ आया, मैंने कहा यार ये तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, व्हाट इज़। अच्छा पहले शुरू शुरू में बड़ा खुश थी कि वो जब उसने कहा ना कि बाबर मारेगा छक्के और ये वो दिल्ली के शीशे टूटेंगे, मुझे था कि शायद हमारे बारे में कोई ऐड है और इस दफ़ा तो बस धुआंधार बैटिंग होने वाली है और मतलब मज़ा आने वाला है। लेकिन जब मैंने एंड पे वो जो जिसे कहते हैं रास खुला ना, मेरी वहाँ वाकई हंसी नहीं करी। पहले तो मैंने कहा यार ये तो अपनी बेइज्जती है। सही है। क्या लगता है इस दफ़ा कितने टीवी टूटने वाले हैं पाकिस्तान में? उम्मीद और दुआ ये है कि मत टूटे, एक भी मत टूटे, और इंडिया के भी चलें टूट जाएं, अब इतने सालों से हम तोड़े तो एक आधा साल आप तोड़ लें, तो उम्मीद है कि उनके टूटे, इस दफ़ा हमारे ना टूटे। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल है हमारी टीम, कभी भी चल जाती है, ना चले तो जैसे कहते हैं ना, चले तो शाम तक, ना चले ऐसी बात है। मैं मौका मौका ऐड देखा आपने, क्या कहेंगे उसके बारे में? बड़े फ़नी अंदाज में उन्होंने बड़ा हमें एक सीरियस पैगाम दिया है कि T20 वर्ल्ड कप में हम, बल्कि किसी भी वर्ल्ड कप सिचुएशन में हम कभी भी इंडिया से नहीं जीते। क्या कहेंगी इस ऐड के बारे में, कैसा लगा? ऐड तो नो डाउट इंडियन ऐड कंटेंट हमेशा से होता तो बड़ा क्रिएटिव है, और हर दफ़ा वो एक ही चीज़ को बड़े नए तरीके से लेकर आते हैं, लेकिन जाहिर है उसके अंदर वो एक सेटायरिकल तरीके से हमें टॉन्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छा तो नहीं लग रहा। लेकिन उसमें मेरा ख्याल है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए पैगाम है कि इस बार उनको मौका मत दें और इस दफ़ा मौका छीन लें। अच्छा सबसे फ़नी चीज़ आपको क्या लगी इस ऐड की? मुझे सबसे फ़नी चीज़ इस ऐड में जो सिख साहब दिखाए हुए हैं, और जिस तरह से वो टॉन्ट कर रहे हैं कि एक स्क्रीन ही, अब तुम दो दो स्क्रीनें तोड़ना, तो वो थोड़ा सा फ़नी लगा। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में अब इतनी महंगाई है कि एक टीवी भी शायद अब कोई नहीं तोड़ेगा। ये तो आपने वाकई में बड़ी अच्छी बात की है कि अब टीवी कोई नहीं तोड़ता, महंगाई जितनी हो गई है। क्या लगता है इस दफ़ा क्या होने वाला है, कौन मौका मारेगा, किसके हाथ में मौका जाएगा? देखें जी, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स, और इंडियन टीम जो है, हालांकि अगर आप उनका ओवरऑल प्रोफाइल देखें तो पाकिस्तानी टीम ने हमेशा उनको ज़्यादा हराया है, बट देर इज़ अ चांस कि जब ICC टूर्नामेंट होता है तो पाकिस्तान शायद माइंड गेम के अंदर कहीं लैक करता है। और मेरा ख्याल है कि टैलेंट का तो दोनों तरफ बैलेंस ही है, इट्स जस्ट अ माइंड गेम। और अगर पाकिस्तानी टीम इस दफ़ा अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके अपनी स्ट्रेटजी को मेंटली उस पर कॉन्फिडेंट होगी, तो आई एम श्योर कि इस बार मौका नहीं मिलेगा इंडियंस को, अगली दफ़ा ये ऐड नहीं बनेगा इंशाल्लाह। अगली दफ़ा हमें ऐड बनाने का मौका मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, हम बल्कि अभी बना भी लेंगे, हमारे इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे यूट्यूब के, और हमारे जो मीडिया के जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट बनाने वाले हैं, ये बस मैच जीतने की देर है, फिर आप देखें मौक़ों पे कितने एड्स बन के आ जाएंगे सामने। तल्लत आपने मौका मौका ऐड देखा, कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा लगा इस दफ़ा, लेकिन मौका चेंज होना चाहिए। अच्छा। पाकिस्तान को भी मौका मिलना चाहिए इस दफ़ा, उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान को भी मौका मिलेगा। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान को मौका नहीं मिलता तो क्या आप टीवी तोड़ेंगे? टीवी तो नहीं तोड़ेंगे, दुआ करेंगे कि पाकिस्तान फाइनलिस्ट तो हो। इंडिया से जीतना ना जीतना कोई बात नहीं है, कप जीतना बहुत बड़ी बात है। इस दफ़ा पाकिस्तान के कितने परसेंट चांसेस है 24 अक्टूबर को इंडिया से जीतने पे? 40%। 40% बस? इंडिया के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया के पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, फिर उनका एक सूर्या कुमार यादव आ गया है,
तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनका टॉप रैंकिंग में बॉलर्स हैं। पाकिस्तान के सिर्फ बैट्समैन है तो बैट्समैन से नहीं जीता जाता, हमारे पास दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे होने चाहिए। मौका ऐड देखा आपने, कैसा लगा? ऐड फनी था, बहुत मजे का, इंटरेस्टिंग था, मजे का ऐड था। लाइक पिछली दफ़ा से थोड़ा सा डिफरेंट था। हर दफ़ा तो यही होता है कि पाकिस्तान हार जाता है, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया और पाकिस्तान की जो कि हमेशा से है, लेकिन मतलब ऐड और मैच वाला तो एक अलग हिसाब होता है ना, लेकिन पाकिस्तानियों को थोड़ा सा करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, कि मतलब कभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना किसी मैच में, अपना दें, आउटपुट दें। क्या कहेंगे, कितना हकीकत पर मबनी ये ऐड था कि पाकिस्तान आज तक कभी भी वर्ल्ड कप सिचुएशन में इंडिया से नहीं जीता। ऐड तो ठीक था, मगर पाकिस्तान को मेहनत करनी चाहिए कि वो इंडिया को हरा ले, एक दफ़ा ही हरा ले, तो बस यही है कि पाकिस्तान को मेहनत करनी चाहिए। ऐड अपनी जगह फनी है, इंटरेस्टिंग ऐड था, मज़ा आया ऐड देखने का, मज़ा तो आया। सबसे मज़े की चीज़ कौन सी लगी ऐड में? ऐड में ये जो उन्होंने पाकिस्तान को कंपेयर किया ना कि हमेशा हार जाता है, तो वो सबसे फनी चीज़ थी कि उन्होंने किस तरह उसको, सरदार जी जो आए हुए थे, अच्छा? उन्होंने उसको किस तरह पोर्ट्रे किया था कि हमेशा हार रहे हैं, जो उन्होंने टीवी लेके आ गए थे, हाँ पटाखे छूट गए, बोल में एक स्पेसिफिक वर्ड था कि आपके तो पटाखे छूट गए समथिंग, ऐसे कुछ था वो मजे का वर्ड था। कैसा लगा मौका ऐड? बहुत ही फजूल। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी नहीं था ना। अच्छा, लेकिन हकीकत बताई थी भाई ऐड में? नहीं, हकीकत इस तरह अगर बताई जाती तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, तो उसको भी ऐड करते ना फिर। लेकिन हम वर्ल्ड कप में तो कभी भी नहीं जीते ना, वर्ल्ड कप सिचुएशन में तो कभी नहीं जीते, हम वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। अगर वैसे आप रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान इंडिया से आगे है, काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि चलो कोई नहीं यार, बच्चे हो जीत जाओ यार, कुछ नहीं होता, बस जीत जाओ। वैसे बताएं इस ऐड की सबसे फनी चीज़ आपको क्या लगी? जब वो सिख जो होता है उसकी से ग्लासेस ऊपर खुल जाती हैं, वो ज़्यादा बस मज़े का लगा, और कुछ भी नहीं मज़े का था। सही, आप क्या कहेंगे? मुझे तो सिख ही फनी लगा, मुझे पूरी ऐड ही फनी लगी है। अच्छा। लाइक यार चलो ठीक है, जीत जाते हो तुम, शौकी हो जाते हो यार तुम, बाकी हमसे जो सीरीज हारते हो, तुम जो फाइनल हारे हो, वो जो फादर्स डे पे अपने पापा जी से हारे हो यार, ठीक है, वो कहते हैं ना क्यामत की निशानी है, बेटे पापा से बदतमीजी करेंगे, वो इंडिया बस बदतमीजी किया जा रहा है अपने पापा से यार, क्या व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। फनी वे में उन्होंने बड़ा हमें सीरियस पैगाम दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? सिंपल है, डीट हो जाओ। अच्छा। जितना तो है नहीं, डीट ही हो जाओ, तो ठीक है जी, चक्की रखो काम फिर। नहीं वैसे इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हम जीतेंगे, वैसे पहले तो कभी जीते तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो रखनी चाहिए अच्छी के हम जीतेंगे, तो बाकी हमारी दुआएं साथ हैं, अल्लाह पाक ख्याल करेगा इंशाल्लाह। दुश्मनी लड़ाई झगड़ा हर तरफ एक चीज रख के, ये मुझे बताएं ऐड मजे का था या नहीं? नहीं जी, ठीक था यार, जो ऐड आपने देखा था वो टिशू वाला, नो इशू, टेक अ टिशू, जब इंडिया हारा था वो कप वाला, वो ऐड इन्होंने वायरल नहीं होने दिया, कैसे भाई रोंदी करते हैं अपनी दफ़ा यार, मैं हम नहीं इसलिए खेलते नहीं क्रिकेट भाई, एक तो मौके को लाइक इतना चढ़ा देते हैं, हमारी दफ़ा वो एक टिशू वाला इतना कमाल का ऐड था, ये मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर रोंदी पीने लग जाते हैं। ये तो राव साहब वही साहब हुआ ना, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज़। लगता है पाकिस्तान इस दफ़ा जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। अच्छा मुझे लग रहा है ऊपर से कह रही हूँ, मुझे भी पता पाकिस्तान ने कोई नहीं जीतना। बेस्ट विशेस तो पाकिस्तान के साथ ही हैं, आगे देखें इस दफा क्या करते हैं वो लोग। क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप मुसलमान हैं, इसलिए अपना ईमान रखें कि अगर आपने मेहनत की है तो अल्लाह ताला आपके साथ है, मैदान में उतरें इस जज्बे के साथ और अपने जहन के साथ खेलें, जिस्मानी कुव्वत के साथ साथ आपके जहनी गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, इंशाल्लाह जीत आपकी या कौम की दुआएं आपके साथ है। मैं यही मैसेज दूंगी कि काइंडली हमारी इज्जत रख लें और अपनी भी इज्जत रखें, अपने वतन की भी इज्जत रखें, हमारी भी इज्जत रखें और हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने भी क्रिकेटर हैं, कोई स्टार है, कोई एंकर है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उसको बनाने वाले उसके फ़ैन्स होते हैं, तो अगर आप अपने फ़ैन्स की ही उम्मीदों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपनी वो जगह रिप्लेस करवा देंगे, और रिप्लेस करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, तो अपने आप को रिप्लेस मत करवाएं और अपने फ़ैन्स का ख्याल रखें। इन पाकिस्तानी सुंदरियों और इन मगरमच्छों को देखने के बाद में मैं यही बोल सकता हूँ, वो तीन लोंडे मगरमच्छ थे ना, वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि टिशू पेपर वाला, अब तो तुम्हारे पाकिस्तान वालों तुम्हारे इनको चैंपियन ट्रॉफी नहीं, ये भूलने वाले भी नहीं है, 2080 भी आ जाएगा ना तब भी ये हमेशा यही बोलेंगे कि हम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, तो मैं उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ। अब इन गधों को ये नहीं पता जिस चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में ये जीते थे उसी के लीग मैच में इनको धोया था कुत्ते की तरह, लेकिन इनको वो मतलब नहीं है, इनको तो बस फाइनल जीत लिया, ट्रॉफी जीत ली, तो बस उसी के गुणगान गाते रहेंगे।
एक बुशरा जो लड़की थी जो लास्ट में भी आई थी और सबसे स्टार्टिंग में भी आई थी, वो काफ़ी अच्छी बात की उसने, और जो उसने कहा कि नहीं आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत से तैयार बैठे हैं, नाक में कटवाइए, तो बहुत अच्छी बात कही उसने, मुझे अच्छी लगी वो। और वो दूसरी थी ना एक, वो जो कॉलेज में खड़ी थी, दिखने में तो बड़ी सुंदर ब्यूटीफुल सुंदरी थी वो। तुम मुसलमान हो, ईमान लेके आओ, ईमान के साथ खेलो, ईमान के साथ क्या आज तक ये जितने वर्ल्ड कप में हारे हमसे मैच, तो आज तक उनमें ईमान से नहीं खेले थे क्या? कुछ भी लो जी, कुछ भी। और तुम कितना ही बड़बड़ा लो, और देखो ये एड तो अगले साल भी बनेगा और ये मैच भी हम ही जीतेंगे। उस लड़की ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, उसने कहा पाकिस्तानी टीम प्रेशर में आके बिखर जाती है, टूट जाती है, और माइंड गेम के अंदर भारत हमेशा जीत जाता है। और हकीकत बात यही है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो माइंड गेम है, प्रेशर और टैलेंट का तो गेम है ही है, लेकिन ये माइंड प्रेशर का भी गेम है। और अपने आप पे जितना कंट्रोल रह के और एक इसको सिर्फ एक गेम की तरह लेके अगर खेले, प्लेइंग करे, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो दोनों तरफ की मीडिया हाइप बना देती है वो खत्म हो जाती है। तो जो बिल्कुल प्रेशर को हटा के खेलता है वही हमेशा जीतता है। उस लड़की ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, और ये जितने भी ये जीतने वाले हैं ना उन सबको मेरा बाबा जी का ठुल्लू। मैंने के टको, तुम जीतोगे हमसे? आज तक जीते हो? आए जीतने वाले। अब आप क्या देख रहे हो, कौन सा रिएक्शन आपको बढ़िया लगा, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, आप भी कमेंट करके बताओ आपका क्या रिएक्शन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, आपका भाई पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।